अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हो आप सब लोग, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ड्रामा सीरियल मेहर पोश का एक और न्यू प्रोमो जो कि नशर कर दिया गया है। और नाज़रीन, अगर आप मुकम्मल कहानी देखना चाहते हो मेहर पोश की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मेहरू की बहन यहाँ पर फ़ोन करती है शारजहाँ को और कहती है कि तुम्हारे साथ उसने इतना ज़्यादा बुरा किया लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो नाज़रीन, यहाँ पर जवाब होता है शारजहाँ, मास्टर जी ने मेरे ऊपर इतने ज़्यादा एहसानात किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मायने नहीं रखते मेहरू जी की ये ज़्यादतियाँ। तो नाज़रीन, दूसरी जनब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेहरू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और नाज़रीन उसकी बहन कहती है कि तुमने क्यों ऐसा किया, जिसकी वजह से नाज़रीन वो कहती है कि वो जो उसकी अम्मी का गुस्सा मैंने उस पर निकाल दिया, जिसकी वजह से नाज़रीन वो कहती है उसकी बहन के तुम के सारा का सारा गुस्सा तुमने शार यहाँ पे निकाल दिया। तो नाज़रीन उससे जाकर माफ़ी मांगो, जिसकी वजह से वो कहती है तुम ही जाकर माफ़ी मांग लो। नाज़रीन वो कहती है ठीक है मैं ही जाकर मांग लूँगी लेकिन तुम्हें मैं आइंदा के बाद उसे कुछ नहीं कहने दूँगी। तो नाज़रीन, दूसरी जानब यहाँ पे शारजहाँ की माँ आ जाती है उसकी माँ के पास मेहरू की, और नाज़रीन कहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो दंदनाती आई और यहाँ पर मेरे बेटे को मारने तक चली गई, लेकिन मैं अगर मास्टर जी का मुझे ना होता तो मैं उसे दुरुस्त कर देती। और नज़रें, दूसरी जानब यहाँ पे शकीला नईम के पास आती है और कहती है कि तुम भी मेरे बेटे वकास की तरह हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़की से जाकर बात करूँगी, तुम्हारी शादी करवा दूँगी। जिसके लिए वो लड़की की तस्वीर लेकर आती है और नाज़रीन वहाँ पर टेबल पर वकास देख लेता है और कहता है कि ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है। जिस पे यहाँ पे जवाब आता है उसकी माँ का कि ये मैंने नईम के लिए लड़की पसंद की है, इसकी उसके शादी होगी। जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरत के साथ यहाँ पे कहता है वकास कि ये मेरी पसंद है, और उसकी माँ एकदम से परेशान हो जाती है। और नज़रें, दूसरी जनब आप लोग देखने वाले हो कि यहाँ पर मेहरू छत पर आकर कपड़े उतारने आती है और वो शारजहाँ को वहाँ पर देखती है और उसकी तरफ ही देखती रहती है, और शारजहाँ भी उसकी तरफ देखता है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ उदासी के आलम में देख रहे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कीमती रेखा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।